तो आज मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को जो सरोजनी में हमने शॉपिंग की थी वो ये है हमारी ज्वेलरी जो मैंने खरीदी थी। नमस्कार दोस्तों, पूनम जलवाल ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को जो सरोजनी में हमने शॉपिंग की थी वो होते गया थोड़ा सा लेट, थोड़ा सा काम में बिजी हो गई थी इसलिए मैं बना नहीं पाई ये वीडियो, तो अभी बना रही हूँ आज। तो इतने सारे शॉपिंग करके लेके आए थे हम, ये सारे मनीषा की शॉपिंग है, मनीषा के लिए है क्योंकि टॉप मैं नहीं डालती, टॉप बाई दीवी को डालती हूँ मैं, नहीं तो सारे टॉप मनीषा के हैं। तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को एक एक करके सारे टॉप, थोड़ी सी ज्वेलरी भी खरीदी थी हमने वो भी दिखाऊंगी। तो शुरू करते हैं इस टॉप से पहले, और वहां पे मतलब रेट कुछ ज्यादा नहीं है, रीजनेबल रेट है सबके, बिल्कुल ठेले वाले से तो हमने लिया नहीं, हमने थोड़ा सा शॉप के अंदर जाके लिया था क्योंकि उसमें थोड़ी वैरायटी अच्छी थी। वहां पे रेंज 200 या फिर 250 रेंज थी, तो देखिए ये ज्यादातर 250 के ही हैं सारे टॉप और सारे अच्छे हैं। यहाँ पे मार्केट में हम खरीदेंगे तो यही 500-600 बिना नहीं मिलते, तो वहां की ये चीज अच्छी लगती है तो इसलिए हम वहां गए थे। तो देखो, देखिए फर्स्ट टॉप ये है, ये बाजू में फ्री लेस की, कपड़ा भी इसका सॉफ्ट है, जॉर्जेट में कपड़ा है इसका, इनर इसके साथ में ही, ये देखिए। तो एक टॉप ये है, और ये है मनीषा का फेवरेट कलर, इसमें कैमरे में सही से कलर आ नहीं रहा है ये, तो ये देखिए ये मनीषा ने डाल के देखा था, लग भी अच्छा रहा था और कलर भी इसका अच्छा है, ये मनीषा का सबसे फेवरेट टॉप में से एक है। ऑलिव ग्रीन है ये, ऑलिव ग्रीन, और लग रहा थोड़ा फीका फीका इसमें। तो आगे चलते हैं, ये है ऑरेंज कलर की शर्ट टाइप का है ये भी, तो ये भी अच्छा है, इसमें बाजू में भी थोड़ा सा ये डिजाइन है फ्रिल टाइप का और शॉर्ट में इसके बाजू में। एक टॉप ये है, और फिर एक और लाइट ऑलिव कलर आ गया, ये भी मनीषा को अच्छा लग रहा था, फ्री फिटिंग भी ठीक, थोड़ा लूज है ये, इसकी थोड़ी सी फिटिंग करनी पड़ेगी अभी मनीषा के लिए इसकी, तो ये भी अच्छा है, वैसे कलर भी अच्छा है और डिजाइन भी अच्छा है। चलिए आगे दिखाते हैं, एक ये व्हाइट में शर्ट टाइप का ये भी टॉप, और इसकी ये जो पता नहीं क्या हुआ इनका क्या बनेगा समझ नहीं वो जो भी है बनाते रही हूँ तो ये अच्छा सा एक टॉप, पता नहीं अच्छी सी क्लियरिटी दिख नहीं रही है, इसमें इनर भी होता साथ में ज्यादातर में, और इनके जो नेट वाला, और एक ये है मनीषा का फेवरेट, इसकी फिटिंग भी अच्छी है और इसका कलर भी अच्छा है एकदम बेबी पिंक टाइप का। इसके ऊपर फिर ये स्लीवलेस है, ये स्लीवलेस कम ही डालती बस ड्रेस, इसके ऊपर है एक ये वाली जैकेट, अगर ये है वैसे अलग से टॉप पर, इसके ऊपर अगर ये चाहे तो ये शॉर्ट में एक जैकेट टाइप की है, ये देखो ब्लैक कलर की, और इसके ऊपर इसका कॉम्बिनेशन एकदम अच्छा लग रहा था, ये लॉन्ग में थोड़ा सा लॉन्ग में है ये, और ये जो जैकेट है ये थोड़ी सी शॉर्ट में है, तो फिर ये डालने के बाद एकदम अच्छी लग रही थी। तो ज्यादातर ड्रेस हमारी रील में दिख जाएंगे आप लोगों को, रील में आप देख सकते हो मनीषा जालीवाल के नाम से, हमारा मनीषा का इंस्टाग्राम है मनीषा जालीवाल के नाम से, और मेरा पूनम जालीवाल के नाम से, तो आप हमारा इंस्टा अकाउंट भी जाके चेक कर सकते हो। देखिए एक टॉप ये है, इसमें इनर अगर डालना चाहो तो डाल भी सकते हो और बिना इनर भी इसको डाल सकते हैं हम। और एक ये है मनीषा का टॉप, इसकी बाजू भी अच्छी है, देखो डिजाइनर बाजू है इसकी कट में, ये सारे जीन्स वाले टॉप हैं, कोई भी लेगिंग वाले टॉप नहीं है, ये सारे जीन्स पर डालेंगे मनीषा और सारे रील में आएंगे। एक ये है, ये भी शर्ट टाइप का टॉप है, इस साइड से डाल सकते हैं या फिर इसको इस साइड भी डाल सकते हैं, इस साइड वाले बटन है और इस साइड ये डिजाइन है, दोनों साइड से भी डाल सकते हैं। तो ये देखो कितना अच्छा सा डिजाइन है ना इसका पूरे का, और बाजू में भी इसमें डिजाइन है, तो ये भी बहुत ही अच्छा लग रहा है ये टॉप भी। तो वैरायटी तो वहाँ पे बहुत ज्यादा है सरोजनी में, बहुत जबरदस्त वाली, फिर हमने इतने ही पसंद किए, ज्यादा क्या करना फिर इनका, फिर थोड़े दिन में फिर और लेके आ जाएंगे, नई नई वैरायटी मिलेंगी,
और एक ये है, ये वाला टॉप पर्पल कलर का, ये भी अच्छा लग रहा है। इसमें आप थोड़ा सा इनर की जरूरत पड़ेगी क्योंकि थोड़ा सा ये ट्रांसपेरेंट टाइप का है। व्हाइट में ज्यादा है, पता नहीं क्यों। और ये सारे फोल्ड की वजह से ना इनमें सिल्वर पड़ेगी। हाँ तो फोल्ड पड़े थे ना सारे में, अभी ये प्रेस करके रखने पड़ेंगे। ये है येलो, इसका इनर है, और ये है ऑफ वाइट। ऑफ वाइट ही शर्ट है इसकी, तो ये भी अच्छा लग रहा था लुक वाइज। इसका इनर भी अच्छा लग रहा था, ये दोनों एक कॉम्बिनेशन भी अच्छा है इनका, ऑफ वाइट और येलो। देखिए ये भी सेम उसी टाइप का कलर आ गया ना, पीच थोड़ा डार्क कलर है। फिर ये है लॉन्ग में, इसके नीचे लेगिंग डाल सकती है हमेशा, या तो टॉप भी डाल सकती है, लेगिंग भी। ये देखिए अच्छा लग रहा है ये भी। और अभी तो बहुत सारे हैं, ये भी प्यारा सा है, कलर भी अच्छा है इसका, और डिजाइन वाइज बहुत डिजाइन थे वहां पे। डिजाइन के लिए तो मेन जाना पड़ता है, जैसे मार्केट में जाओ दुकान में कोई भी, दो चार वैरायटी दिखा देंगे बस, उन्हीं के कलर या फिर साइज वगैरह दिखा देंगे। और यहाँ पे मिलती है वैरायटी, यहाँ पे एक मतलब एक नहीं है भाई, चलो एक ही दुकान में चले गए हमें पूरा दिखा दिया उन्होंने, हर हम अपनी मर्जी से दो लें, एक दुकान से चार लें, एक दुकान से, मतलब रेट उनका फिक्स होता है, ये नहीं है जो वो जो ठेले वाले होते हैं ना उनका थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर लेते हैं बार्गेनिंग से, पर बाकी ये नहीं करते, इनका फिक्स प्राइस होते हैं ये 200 या 250 300 ऐसे में। तो ये भी अच्छा था, ज़्यादातर हमारे 200 से 300 के रेंज के अंदर अंदर के ये सारे टॉप हैं। और एक ये है मनीषा का, ये चल रहा है ना आजकल शॉर्ट में, ये टी शर्ट टाइप की, लूज टी शर्ट, हाँ लूज टी शर्ट जो भी है ये है। ये तो दादी का भी आ जाएगी, मुझे इतनी लूज है। इस पे मैसेज भी अच्छा लिख रखा है ना, कीप गोइंग रिमेंबर व्हाई यू स्टार्टेड। हाँ तो दादी का भी आ जाएगी, डाल के दे दिख रही हूँ। और दो तीन हमने लोअर ली थी, लोअर टी शर्ट ये प्रदीप के लिए ली थी, मनीषा भी डालती है लोअर, तो एक ये लोअर 200-200 रुपये में थी, कोई भी किसी भी तरह की लोअर ले लो। ये देखिए अच्छी क्वालिटी अच्छी है, और कलर भी सारे अच्छे ही थे। एक ये है, अभी तो मैं सारे ऐसे डाल रही हूँ, बाद में फोल्ड करके इनका अच्छी तरह रखूँगी। और चार पांच हमने टी शर्ट ली थी, टी शर्ट और नहीं नीचे रखी होंगी शायद, दो तो इस टाइप के टी शर्ट हैं जिसके कलर थोड़े से चेंज हैं, और ये भी अच्छे हैं। ये कितने की थी, 200 रुपये ना, 250 मतलब 250 रुपये की थी ये टी शर्ट, सारी 250-250 वाली थी, थोड़ी सी क्वालिटी अच्छी है इनकी, ये वाली की कॉलर के साथ। हाँ कॉलर के साथ ही दो तीन हैं इस तरह की, एक का ग्रे कलर है थोड़ा डार्क वाला, ये लाइट ग्रे है, वो डार्क ग्रे है, अरे एक और पता नहीं कौन सा कलर समझ नहीं, वो नीचे रहेगी शायद। तो एक ये है, एक ये मनीषा ने अपने ले ली है, एक्स्ट्रा वाला ना, लार्ज में है, लार्ज में इसको चाहिए है इतनी सी, इसको शर्ट चाहिए लार्ज में। और एक ये है, और वैसे तो इस तरह के कपड़ों के मनीषा के पास भंडार भरे हुए हैं, फिर भी इसको सरोजनी से चाहिए थे, और क्योंकि रील में अलग अलग चेंज कर करके इसको कपड़े चाहिए। तो चलिए कपड़ों वाली शॉपिंग तो हो चुकी है हमारी, और अभी मैं दिखाती हूँ थोड़ी सी ज्वेलरी भी ली थी हमने, एक आधी रील में भी आ चुकी होगी वो ज्वेलरी माने हमने, क्योंकि आने के बाद 4-5 दिन हो चुके हैं, अभी बना ही नहीं पाए, गांव जाना पड़ गया था, कुछ काम आ गया था, तो इसलिए बना ही नहीं पाया, आज बना ही लेते मैं। ये है हमारी ज्वेलरी जो मैंने खरीदी थी सरोजनी से, वो स्टार्ट करते हैं इससे, जो ये हाथ के लिए था ना, ये झुमके टाइप के हैं, तो इसको
आसानी से ढल जाता वैसे ये। आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ये देखो अच्छा लग रहा था नहीं? तो इस टाइप के दो लिए थे, ये कलरफुल है और ये एंटीक कलर है। ये देखो तो एंटीक कलर की ज्वेलरी मैंने सारी ज़्यादातर एंटीक कलर की ली थी, क्योंकि किसी पे भी सूट कर जाएगा वो, कोई भी ड्रेस पे डाल दो आप तो उसी ड्रेस के हिसाब से। तो ये देखिए लगा अच्छा, और इसके मैचिंग के एक इयररिंग है ये, तो ये ऐसे सारे हैं। एक ये है इयररिंग, ये वाले ये जो मोगरा के फूल नहीं होते उस टाइप के थे, अच्छे लग रहे थे तो इसलिए ये ले लिए। वैसे मनीषा इतना डालती नहीं पर अच्छे लगेंगे अगर डालेगी तो। और एक ये है, ये वाले झुमके टाइप की बड़े बड़े से, अगर ये झुमके डालते तो हमें गले में डाल लेंगे जैसे जरूरत नहीं होती, क्योंकि ऐवी हो जाता ना, या तो गले में डाल लेते हैं अभी या फिर कानों में। तो इसके लिए मैंने ये ऐवी वाले ले लिए। और एक ये लाइट लाइट से कलर के येलो कलर है, इसके अंदर मोती में है ये दो, ये मतलब एक सेट ये है और हल्के हल्के से ये हैं झुमके कानों के, ये वैसे हैं जैसे मैंने डाल रखे अभी, इस टाइप की है, इस टाइप की है ये वाली। और एक ये है नेकलेस, ये भी एंटिक से कलर है, इसमें कोई भी कलर नहीं है, किसी भी ड्रेस पे चल जाएगा, ये सिल्वर टाइप का है। इसके मैचिंग के इयररिंग है, हाथ में डालने के लिए एक ये भी है, इसको कोई वो नहीं है, पेंच वगैरह कुछ भी नहीं है, ऐसे डाल लो हाथ में, कितना अच्छा लग रहा है। एक ये है, ये मेरी रील में देख भी लिया आप लोगों ने, ब्लैक वाली साड़ी के ऊपर, ये भी अच्छा लग रहा था, ये सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसके मैचिंग इयर रिंग है, और मनीषा ने ये लिया है, ये वाले छोटे छोटे से जो लॉकेट होते हैं चैन में, ये वाले, इसमें चार पांच कलर हैं और डिज़ाइन भी अलग अलग डिज़ाइन के हैं, जैसे कोई भी ड्रेस पे नॉर्मली ये टॉप पे डाल सकती है ना, तो अच्छे लगेंगे। और दो मैंने ये ली थी क्लेचर, डिज़ाइन अच्छा लग रहा था इनका इसलिए ले लिए। खुल जा तो ये थी हमारी ऑल ओवर शॉपिंग जो हमने सरोजनी से की थी, तो मज़ा आया वैसे शॉपिंग करके। फिर ये चीज़ें मतलब मिल तो जाती है हर जगह, पर सरोजनी का ये है, गए थे तो साथ में ये भी ले लेते, क्योंकि रील वगैरह में या फिर कहीं कहीं फंक्शन वगैरह में भी हम डाल सकते हैं, तो ये नॉर्मल सी, ज़्यादा हैवी भी नहीं है ज्वेलरी, नॉर्मल सी है। तो चलिए आज का यही था हमारा सरोजनी हॉल, तो सारी शॉपिंग अब मैंने आप लोगों को दिखा दी है। कैसे लगी हमारी शॉपिंग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे ही मज़ेदार ब्लॉग देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।